कराती हूँ, एक हीरो से आपकी मुलाकात कराने लगी हूँ। बन्ना समरना, मैं आज बात करी थी ना, आपने कभी देखा होगा परिंदों को ऐसे अपने परों को साफ कर रहे होते हैं, एक पर ज़रा सा टेढ़ा नज़र आए तो वो उसको, नेचर, वी लर्न फ्रॉम द नेचर। दरख्तों के पत्ते जब पुराने हो जाते हैं तो वो गिर जाया करते हैं और नई, हर साल वो नई पोशाक पहनते हैं। इंसान का यकीनन वी आर द सोशल एनिमल्स, और बन्ना संवरना आज से नहीं है, वो क्लोपित्रा के ज़माने में चले जाएं, फेरोज की अगर हम बात करते हैं 5,000-7,000 साल पहले की तरफ अगर आप चले जाएं, तो फेरोज में भी जो ख़वातीन थीं दूध के पानी दूध में से नहाया करती होती थी, फूल की पत्तियों के साथ शावर लिया करती थी। तो बन्ना संवरना इंसान के साथ सदा से है। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान की एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं बुनियादी तौर पर, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां फिर रही हैं ना, इट्स बिकॉज ऑफ हिम। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर जावेद आलम फरूकी साहब यहाँ मौजूद हैं, उनका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह माशाल्लाह आप चमक रही होती हैं, मैं तो हर साल आपको देखता हूँ, रिवर्स गियर लगा रही हैं माशाल्लाह। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह में ऐसे ही आपको नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो रास्ता रखे नहीं नहीं, अब तो मैं आपसे बल्कि राबता करना चाहती हूँ। पाकिस्तान का जो स्टार आता है यहाँ इंतहाई गोरा चिट्टा, मैं तो काली 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 मर गई सारी उम्र, यही कह के किसी तरह से रंग गोरा हो जाए। मगर वो मैं पाकिस्तान गई ना तो मेरे भाईजान अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, तो वो बच्चों से बात कर रहे थे, कहते नहीं ये जेनेटिक होता है, देखो अब खाला पुप्पो इतने अरसे से कैनेडा रही, गोरी तो नहीं हो गया। मैंने कहा नहीं, आप एक और कील ठोके मेरे कफन के बीच में। पाकिस्तान के नंबर वन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और आप डॉक्टर साहब आज 7 तारीख है ना, आज तो आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं ऑनलाइन ऑनलाइन। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं डेली क्लिनिक कर रहा हूँ पाकिस्तान, मेरी माशाल्लाह इतने सेंटर्स हैं। मैं जब से मैं अब तक मैंने बिन 1 मंथ पूरा हो गया है और डेली क्लिनिक है माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान। अच्छा, वर्चुअल क्लिनिक्स हैं आपके जी, आजकल आपकी दुनिया पूरे हाथ में चेंज हो गई, लाइफ इज चेंज, सारी दुनिया को आप देख रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फील्ड ऐसी है कि हर आदमी को शौक है। आप 2000 साल की बात कर रही थी, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के लिए लोगों ने हाथ काट लिए थे, उनकी खूबसूरती पे फिदा हो गए लोग। आप उस वक्त देखें वो जो बादशाह कई बेगम थी जो उन पे फिदा हुई, बिल्कुल उन्होंने कहा तुम लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो, तुम देखो तो उस हसीन आदमी को, तो लोगों ने हाथ काट लिए। तो खूबसूरती पे तो अल्लाह ताला के लिए हुस्न की तारीफ की जाती है। और वो औरतें भी बनती सवरती थीं, और हज़रत ज़ुलैखा, हज़रत ज़ुलैखा जो थीं, हज़रत ज़ुलैखा यानी वो भी सब ख्वातीन बनती सवरती थी। उमरा की बीवियां बेटियां उस फंक्शन में आती हैं जिसमें हज़रत यूसुफ़ से उनकी मुलाकात करती हैं, वो सारी बनी संवरी थी मगर हज़रत यूसुफ़ की खूबसूरती पर फिदा। डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि आप हर रोज अभी भी अपने पेशेंट्स को पाकिस्तान में अटेंड कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, और इतना मैं इंजॉय करता हूँ जी। मेरी ख्वाहिश है ऑनेस्टली, ये अल्लाह ताला पूरा करने वाला है, अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी सेहत दे। आप हमेशा इतना अच्छा वेलकम करती हैं, मतलब मैं आपसे एक दफ़ा बात करता हूँ, आप हमेशा आपका बहुत क्लूज देती हैं, अल्लाह ताला आपके इस चैनल को आप लोगों को ज़िंदगी सेहत दे। भाई होते हैं साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बिलीव करिए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को स्पेशली कैनेडा, अब मुझे आइडिया हो गया, मैं 2-4 दफ़ा इधर आया हूँ कि यहाँ क्या बेसिक प्रॉब्लम है जो कि हम हल कर सकते हैं आराम से बैठ के, क्योंकि एक वॉइस एक ऐसी चीज़ है, एक आवाज़ ऐसी चीज़ है कि सारी दुनिया में जा सकती है। और वर्चुअली आप लोगों से, लोगों की मुलाकात कर सकते हैं इसके। अगर उससे बाजू का स्किन को देखने के लिए तो यू गॉट टू टच इट, यू गॉट टू नो के जो एक है ना एक्सपीरियंस तजर्बा, हाँ हाँ, वो इतना बड़ा चीज़ होती है। आपके बैग पे अगर 35 साल का तजर्बा होना तो अब आपके लिए लेंस की ज़रूरत नहीं है, आपकी तजर्बे की ज़रूरत है। आप देखते हैं और पहचान लेते हैं। और माशाल्लाह मैं यहाँ से पूरी मेरी तकरीबन 20 क्लिनिक्स कराची में, और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बड़े सेंटर 20 क्लिनिक्स आपकी कराची अलग अलग मेरे फ्रेंचाइजेज हैं मेरे नाम से, डॉक्टर जावेद के नाम से, जो कि हमने, क्योंकि कराची 3 करोड़ 3.5 करोड़ की आबादी है और वहाँ जो मल्टीपल प्रॉब्लम यू कांट इमेजन। और इसी तरह मैं
हैदराबाद, भावलपुर, रहीमिया खान, इस्लामाबाद में भी आप जी बिल्कुल F7 में मैं करता हूँ, पिंडी करता हूँ, लाहौर करता हूँ, DHA में करता हूँ और जॉर्ज टाउन में करता हूँ, मुल्तान करता हूँ, लाहौर में भी करते हैं, लाहौर में भी करता हूँ अलहमदुल्ला। डॉक्टर जावेद आलम साहब, डॉक्टर साहब की वेबसाइट बताइएगा हमें, वो मैं डिटेल आपका सारी मैं दे दूंगा सारी की सारी, बल्कि सिर्फ आप स्किन एक्सपर्ट बाय डॉक्टर साहब मैं, बल्कि लोगों को ये यकीन नहीं आएगा पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है। एल्बिनिज्म एक है जो कि ज़ाहिर है ये इंसान जीन्स में कैरी करता है, रिसेसिव जीन की वजह से होती है, वो जो सफ़ेद निशान आ जाया करते हैं, हम कहते हैं जी मछली के साथ दूध पी लिया होगा, मगर ये जीन्स में होता है। वही इलाज की बुनियाद के ऊपर अब पाकिस्तान का एक एक स्टार इतना गोरा है। और आपको याद है हम अवार्ड्स का एक फंक्शन यहाँ पे हुआ था, तो एक मुझे फनकार का याद नहीं है, तो उसको उसने कहा कि अच्छा तुमने टीके लगवाए हैं, टीके लगवा के तुम गोरे हुए हो, तो थप्पड़ मारने का मामला आ गया था, याद है ना आपको? तो जिसमें वो जो इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं उनका जिक्र आया कि इन्होंने शायद उसी को दोहराया। तो साहब हकीकत में इस वक्त पाकिस्तान की जितनी स्टार्स जब यहाँ पे आती हैं तो मैं बड़ी हैरान थी कि सारी के सारे इतने गोरे क्यों हैं, तो पता चला आप लोगों को गोरा भी कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए हाईटेक है, बाईपास सर्जरी हो रही है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, ब्रेन सर्जरीज हो रही, तो हमारी फील्ड में क्यों नहीं हो रहा है? लोगों का कद भी सुना लंबा हो सकता है अब तो। उसके लिए नेचुरल एक बहुत टाइम चाहिए होता है पीक, लेकिन रंग गोरा करने के लिए कोई भी टाइम है। उसके अंदर ग्लूटाथियॉन्स बड़े ज़बरदस्त एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, दीज आर वंडरफुल विटामिंस, और आप वो लीजिए। अब मुख्तलिफ स्ट्रेंथ के आते हैं नेचुरली, डॉक्टर एक इंडिकेटेड देखता है, रिकग्नाइज करता है किस लेवल अंडर द डॉक्टर्स सुपरविजन। एग्जैक्टली उसके लिए मतलब रंग गोरा करने की कोई एज लिमिट भी होती है? नहीं, कोई एज नहीं है, मैं हो जाऊंगी दिल जवान हो बाकी एज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज मुझे आप बताइए, लोग आई एम 60+, मैं तो वो पहनता हूँ जो मेरा बच्चा पहनता है, यंग बच्चा अब्दुल्ला मोहित नाम है, मतलब दिमाग में आप अगर बूढ़े हो गए तो बूढ़े हो गए, उस दिन आप बूढ़े हो गए। एग्जैक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके पास जान अल्लाह ने दी है, आपके कोई खुदा ना कोई मुज़िर बीमारी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, डायबिटीज़ कार्डिक वगैरह, फिटनेस रखें, डाइट कंट्रोल करें और अच्छा सोचें, अच्छा रखें, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप अच्छा खासा खींच जाते हो यार। डॉक्टर साहब इसमें रोल मॉडल सेट करने की भी बात है, मेरा जो शख्स रोल मॉडल है, अल्लाह मियाँ उसको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मेरी ज़िंदगी भी उस शख्स को लग जाए। आप यकीन करें, ही इज़ 90+ एंड ही इज़ सो एक्टिव, ही कम्स टू द ऑफिस। अच्छा, फिर उनको एक दफ़ा अटैक आया, अटैक भी किसका, घर में ही वो अलोन इन द अपार्टमेंट, अल्लाह ने उसको इतना दिया हुआ, ही इज़ वेरी रिच मैन, फिल्थी रिच मैन है, तो घर में ही थे तो वो किचन में अपने गए, तो ज़ाहिर मेड जाती हैं घर साफ करके चल जाती हैं, बट ही लिव्स अलोन, तो वहाँ पे वो गिर गए। उसने क्रॉल करके जाके अपना फ़ोन तक पहुँचा, हेल्प का मंगवाई और हेल्प ने अमेरिका में उनको आके हेल्प किया। उनको फालिज का अटैक हुआ था, ठीक है, पैरालिसिस उनको हुआ था, बट ये इंटरनल स्पिरिट है। उसके बाद ही कम्स टू ऑफिस एवरी डे, ही सेज आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गो टू माई ऑफिस, आई डू एवरी पेपर, ही लुक्स आफ्टर एवरीथिंग बाई हिमसेल्फ, विच इज़ कीपिंग हिम अलाइव, एंड ही सेज द डे व्हेन आई विल सिट एट होम, दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो इट्स बेटर टू कीप योरसेल्फ बिजी। डॉक्टर जावेद आलम मेरे साथ है, डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स हैं और इनकी वेबसाइट के ऊपर आप तशरीफ लाएँ। माहिर जी, डॉक्टर साहब एक्नी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एक्नी की प्रॉब्लम, और जवान बच्चों में बल्कि बड़ी उम्र के लोगों में भी बाज़ औक़ात एक्नी एकदम से हो जाती है, व्हाट इज़ द रीज़न? देखें, एक्नी मैं यहाँ भी देख रहा हूँ थ्रू आउट द वर्ल्ड, एक एज है, हार्मोनल चेंजेस हैं, जैसे ही बच्ची का हार्मोनल चेंजेस होती हैं, साइकिल शुरू होता है, एंडोजेनिक हार्मोन होता है वो एलिवेट होता है, नेचुरली उसमें हमारी एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं सबिशस ग्लैंड जी, उसकी एक्टिवेशन होती है, जहीं भी जहाँ भी है आप जहाँ जाएँ जो मौसम में हो, लेकिन एज तो एज है ना, उसमें वो ऑयल सिक्रीट होता है, ऑयल में वो ब्लॉकेज होती है उसकी पैलो सबिशस डक्ट की, और वहाँ दाना बनना शुरू हो जाता है। अलमिया ये होता है कि जवान आदमी है 15-16 साल का है, उसका चेहरा ख़राब हो रहा है। हमारे पाकिस्तान में वेरी सॉरी टू से वो नीम हकीम ख़तरा जान थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि घर के टोटके शुरू कर देते हैं, इसका पूरा इलाज है। अगर वर्स्ट टू वर्स्ट हो जाएगा तो निशान आ जाएंगे, गड्ढे आ जाएंगे, स्कार आ जाएंगे, वो स्टेबेंस स्कार ऐसे होते हैं कि वो सही नहीं हो रहे होते। अगर एक्नी को वक्त पे ही ट्रीट कर लिया जाए तो एक
हल्का सा पिगमेंट भी नहीं आता पोस्ट एक्ने। तो मैं सिर्फ एडवाइस करता हूँ और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो यंग बच्चे बच्चियाँ हैं उनको हम ट्रीट तो कर सकें, एडवाइस तो कर सकें कम से कम कि बेटा तुम ये वाला फेस वॉश यूज़ नहीं करो, ये मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करो, तुम सन ब्लॉक वाटर बेस करो, वाटर बेस यूज़ करना है क्यों, ऑयल बेस करोगे। सन ब्लॉक में भी वाटर बेस एंड ऑयल बेस है? ऑफकोर्स, हम 35-40 की एज में हमारे सबिशस एक्टिवेशन कम हो रहे हैं क्योंकि एंड्रोजन नीचे जा रहा है हार्मोनल, हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है। तो हम जो चीज़ यूज़ करेंगे, मेकअप यूज़ करेंगे, सन ब्लॉक यूज़ करेंगे, फेस वॉश यूज़ करेंगे, वो आपको ऑयल बेस लेना है। और जो टीन एज एज है जिसमें ऑयल आ रहा है उसमें वाटर बेस यूज़ करना है। तो ये थोड़ी सजेशन आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। आप काउंटर पे जाते हैं, हज़ारों चीज़ें लगी हुई हैं, इतना एडवर्टीज़मेंट है, आप कोई भी चीज़ लेके आ जाते हैं वो आपको और नुकसान पहुँचा रहा है, ख़र्चा भी हुआ, डॉलर भी खर्च हुए और उससे और भी नुकसान हो रहा है। मेरी ये कोशिश है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और मेरा ड्रीम है ये कि अल्लाह करे आपके उससे इंशाल्लाह ताला हम अपनी, क्योंकि हमारी एशियन मार्केट को हम पाकिस्तान की या इंडिया की मार्केट को या बांग्लादेश है या श्रीलंका है हम उस स्किन को ज़्यादा डील कर रहे हैं। यहाँ पे मैं घूम फिर के आया, अमेरिका सब अभी मैं सब चक्कर लगा के आया हूँ, अभी ऑरलैंडो था, ह्यूस्टन था, सब हम ही लोग नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सही नजर आ रही है। और अक्सर मेरा बेटा एक दिन ट्रेन पे सुबह खड़ा हुआ था तो वो कहता है एक बेचारा गोरा खड़ा हुआ था, बाकी हम सारे देसी थे और वो ना बिटर बिटर सबको देख रहा था कि अच्छा मैं कहाँ, मैं कनाडा में हूँ या मैं पाकिस्तान इंडिया गया हूँ। तो हमें अपने स्किन को ट्रीट करने का पता है या हमें उसे किस तरह ट्रीट करना है। अगर हम अपनी नॉर्मल प्रोडक्ट जो कि मेडिसिन नहीं होती, सिंपल प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि सिंपल फेस वॉश है, मॉइस्चराइजर्स हैं, क्रीम्स हैं, सन ब्लॉक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे अपना एक्ने कर, हमने उनको सिर्फ एक अच्छा फेस वॉश दे दिया, मैं लेके भी आया हूँ दिखाने के लिए, अगर वो दिखा देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि पिंक सॉल्ट फेस वॉश दिखाएं जी कहाँ पे, जो आमिर वेरा के पास हैं आप दिखाएं डॉक्टर साहब, बिल्कुल अपने फिर डॉक्टर साहब की प्रोडक्ट से देखते हैं। जैसे ये पिंक सॉल्ट फेस वॉश है, अच्छा ये एक देखिए, ये एक है, अब ये कौन सा है डॉक्टर साहब? ये पिंक सॉल्ट है, इसका देखें पाकिस्तान में पिंक सॉल्ट में हम बहुत, मतलब हमारी सबसे ज़बरदस्त पिंक सॉल्ट जो है ये हमारे पाकिस्तान का आता है। सही, तो इस वेरी गुड, और इसको हम बहुत अच्छा है क्योंकि हमारी वहाँ की लोकल मार्केट है, हम इसको बहुत अच्छी पैकिंग में लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो उसके अंदर हमने वहाँ दिखाइए, आप अपने कैमरे पे पिक्चर दिखा लीजिएगा। अच्छा जी डॉक्टर साहब ये भी एक प्रोडक्ट है, ये कैलेमन है, सॉरी अभी सब हैंडल करने में हमारे कैलेमन है। अब सिंपल इट्स अ मास्क, ये मास्क है, इट्स अ वेरी गुड मास्क। अब आपने इसको लगाया और अच्छा डॉक्टर साहब ये मास्क लगाने के बाद इसका पूरा तरीका कार भी कुछ दिया नहीं, नथिंग, इसको आपने मास्क टू थ्री टाइम्स इन अ डे लगाया, जो आपका ऑयल सिक्रीट हो रहा है ना वो प्रोटेक्ट होता रहेगा, वो एक्सेसिव ऑयल नहीं होगा। पिंक सॉल्ट हमने दे दिया, अगर ब्लैक हेड्स आ रहे हैं लोग उल्टी सीधी चीज़ें लगाते हैं उसके लिए हमने चारकोल एक मास्क रखा ये वाला है, अच्छा ये चारकोल मास्क है। अब जैसे आप काउंटर पर ना जाएं, आपके आपके पास यहाँ चीज़ मौजूद है, हमने उस पेशेंट को देखा पाकिस्तान से देखा, हमने कहा बेटा कोई मेडिसिन नहीं है, दिस इज नॉट मेडिसिन, सिंपल वो चीज़ है जो आपके ब्लैक हेड्स नहीं लेके आएगी, जब ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स नहीं आएंगे तो आपको एक्ने नहीं आएगी, पिंक सॉल्ट आपको ऑयल को कंट्रोल करेगी। तो सिंपल दो चीज़ें और एक मास्क यूज, डॉक्टर साहब जैसे आपने हमारी एज की बात की, जब एक एज खास आ जाती है तो उस एज में ऑयल्स कम हो जाते हैं जिसकी वजह से स्किन अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देती है, कोलेजन खत्म हो जाता है, अपनी इलास्टिसिटी खत्म कर जाती है, तो इस एज में तुमको ऑयली चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मॉइस्चराइजर, उसके लिए मॉइस्चराइजर ना देखें वो, आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स दिखाएं, आप खुद दिखाएं, आपका दिखाना तो बात ही कुछ और। डॉक्टर साहब आपके सामने आप नजर आ रहे हैं, वो देखिए, देखें अब मैं आपको बताऊं, अभी पिगमेंटेशन की कलर की बात हो रही थी, थोड़ा माइक के करीब बात कुछ हमारी अभी बात हो रही थी पिगमेंटेशन का कलर। ऑनेस्टली बताऊं, ग्रूमिंग शाइनिंग कलर होना चाहिए। मैं बच्चियों को कहता हूँ देखिए कलर का कोई मसला नहीं, जो आपका जीन में आया है वो दिस इज़ योर बेस्ट कलर, लेकिन जो आपका इनसाइड कलर है ना, जो आपका हिडन कलर है, दिस इज़ योर बेस्ट कलर, क्योंकि वो सनलाइट से बचा हुआ है, वो कलर हम आपको इतना अच्छा दे सकते हैं और स्किन आपकी क्लीन क्लियर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, आप कोई भी चीज़ काउंटर पे, यहाँ तो वो चीज़ें मिलती ही नहीं है, जैसे ही हमारी प्रोडक्ट है स्किन वाइटिंग, इंस्टेंट वाइटिंग, कि मेरा बाकायदा फोटोग्राफ इस पर बना हुआ है और डॉक्टर की रिकमेंडेशन है, हमारी पूरी पाकिस्तान में
ऑनलाइन सारी क्लिनिक्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, रिव्यूज़ जाएँ आप डॉक्टर जावेद स्किन एक्सपर्ट बाय डॉक्टर जावेद लिखेंगे आपके पास यूट्यूब में भी मैं आ जाऊँगा। डॉक्टर जावेद आलम फारूकी, डॉक्टर जावेद आलम फारूकी स्किन एक्सपर्ट लिखेंगे आपके पास सारी की सारी डिटेल आ जाएगी और रिव्यूज़ आएंगे। मैंने चार चार छः छः खवातीन को बिठा के पिगमेंटेशन या झाइयों का एक प्रॉब्लम है मिलाजमा का, हर औरत के 99.9% हर औरत परेशान है क्योंकि यहाँ सनलाइट आपकी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इतनी एग्रेसिव लाइट में आपका कलर ख़राब है और हर औरत ड्राइव कर रही है, उसको जॉब पे जाना है, वर्क पे जाना है, सुबह निकलती है वो शाम को आती है, उस बिल्कुल केयर नहीं करती वो स्किन की। सिंपल क्रीम हमने बनाई है, अगर आप एक दो मंथ और इसको मैनेज करने के लिए लगाएंगे अब यू कांट इमेजिन आपका कलर बिल्कुल ज़बरदस्त चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे कि आप जो पिगमेंट है ना, असल में जो मेलानोसाइट जमा हो जाते हैं जिसको मिलाजमा कोलाजमा कहते हैं, झाइयाँ कहते हैं, आप जितना भी मेकअप करोगे वो कवर नहीं हो रहा होता और वर्स्ट टू वर्स्ट हो रहा होता है। उसके दो चार वजूहत होती हैं, जो एक तो हार्मोनल होता है, वेट गेन होता है और मेन सनलाइट होती है जो एग्रेवेट कर रही होती है। तो कौन सा सन ब्लॉक चाहिए, कौन सी क्रीम चाहिए, इसमें हमारे पास 2% हाइड्रोक्यूनोन होता है, लिकोराइस है, इसके अंदर विटामिन सी है, मल्टीपल हमने वो प्रोडक्ट डाली हैं जो आपके मेलानिन को ख़त्म करती हैं। तो अगर आपका एक्सपोजर क्लियर हो जाता है तो इनसाइड तो वैसे ही क्लियर है, आपके हाथ डार्क हो रहे हैं, नकल्स ऊपर से तो आपने मेकअप कर लिया और नकल्स आपके डार्क हो रहे हैं, पैर आपने जो है ना डार्क रखे हैं। हालांकि डॉक्टर साहब आप यहाँ तक जहाँ तक कमीज ने कवर किया था वहाँ से उठा के देखिए इंसान का जिस्म कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट। अल्लाह ताला ने कितना जबरदस्त आपको कलर दिया हुआ होता है, दिस इज द बेस्ट कलर, कोई अलग कलर की वही तो हम उस पर वर्क कर रहे हैं, आपको वही तो कलर दे रहे हैं आपको। अच्छा, ग्लूटाथियोन्स इज अमेजिंग थिंग और ऑनेस्टली हमारे यहाँ बेचारी बच्चियाँ चीज़ें बेच बेच के अपने, क्योंकि वहाँ हर औरत और मर्द को हो गया कलर, रिश्ते नहीं हो रहे, शादियाँ नहीं हो रही, यहाँ नहीं है। आप क्या पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक सोशल बहुत बड़ा है कि अगर चार लड़कियाँ हैं उनमें से एक लड़की का कलर अच्छा है तो शायद पहले रिश्ता उसका हो जाएगा, या मोहल्ले में अगर चार लड़कियाँ डाक हैं और एक लड़की का रंग गोरा है तो उसके रिश्ते आने उस घर में आने शुरू हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम है, या जॉब पर आप जाते हैं प्रॉब्लम मानना ना मानना, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है और कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं रही है स्पेशली इन पाकिस्तान। और मैं इधर जितने लोग हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग पाकिस्तान आते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास यहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स को आप तक पहुंचा दें किसी तरीके से, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप कॉल करेंगे मुझे कनेक्ट, मैं घंटे दो घंटे में खुद हो जाऊँगा और आपको मैं एक अच्छा मशवरा दे सकूँगा, बता सकूँगा। इधर एक सॉरी टू से यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता है कि आपको टाइम लेना पड़ता है, आपको कंसल्टेंट से चार छः महीने लगते हैं। एक्नी आ जाइए, चार महीने बाद बच्ची की एक्नी तो वैसे ही वर्स्ट हो जाएगी और नुकसान हो जाएगा। या पिगमेंटेशन आ जाइए, या एक्जिमा आ जाए, आज खुजा आप रहे हैं, इचिंग आज हो रही है, चार महीने बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। इसका मतलब एज योर डर्मेटोलॉजिस्ट एक्जिमा का इलाज भी आप करते हैं, एवरीथिंग। विटिलिगो का भी हमारा भाई थे अंदर, उन्होंने कहा मेरे बच्चे को विटिलिगो है तो व्हाई नॉट, सोरियासिस है, विटिलिगो है, हेयर फॉल है, एजिंग है, माशाल्लाह जब इतना काम कर रहे हैं, 200 की ओपीडी होती है मेरी डेली माशाल्लाह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर तो हमने बहुत कम रेट्स रखे हुए हैं, लोगों को हम प्रेफर करें, क्योंकि देखें एक जो छोटे घर में लड़की है उसकी भी ख्वाहिश है जो 16 साल की कि मैं ग्रूम करूँ, फंड्स नहीं है, पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं, तो उस बच्ची को हम कैसे ट्रीट करें, या चेहरे पर बच्चे के दाने आ रहे हैं, हर आदमी को हमारी एक उम्र गुजरी है, हमें पता है कि इस एज में जब टीन होती है, जवानी आती है तो इंसान चाहता है मैं कितना फिट, हम इस बुढ़ापे में चाहते हैं फिट रहें, हमारे चेहरे पर निशान ना रहें, हमारे बाल ना कम हो, हम परफेक्ट रहें, वेट ना गेन करें, तो उन चीज़ों को हम सब लुक आफ्टर कर रहे हैं और इंशाल्लाह क्योंकि अच्छी नियत से कर रहा हूँ मैं और हमारी प्यारी प्यारी बहनें हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह परवरदिगार ने चाह, कोशिश तो ये है कि मैं कनाडा अमेरिका को पूरा कवर करूं, लेकिन स्पेशली क्योंकि कनाडा की जो कम्युनिटी है वो 250 तो मेरे अपने रिश्तेदार रहते तो उनमें मैं काम करूं, तो इंशाल्लाह उसमें हमारा इरादा है। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर जावेद आलम वेबसाइट के ऊपर अगर आप इनकी आ जाएं, अगर जो लोग टेलीविज़न देख रहे हैं तो यू कैन सी डॉक्टर जावेद आलम स्किन हेयर लाइफ स्टाइल, डॉक्टर जावेद आलम, जे ए वी ई डी जावेद आलम,
डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन एक्सपर्ट, XPERT से है स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर जावेद आलम। आप इनके फेसबुक के पेज के ऊपर आइए, आप इनकी रिव्यूज़ देखिएगा, और अगर आप कनाडा से भी वर्चुअली ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो कम खर्च बाला नशीन हो सकते हैं, बिल्कुल आप हो सकते हैं, गोरे भी हो सकते हैं। अब 4 साल से तो मेरी भी डॉक्टर साहब से मुलाकात हो रही है, मैं इनको कह रही हूँ मगर डॉक्टर साहब ने कसम खाई हुई है कि नहीं इलाज नहीं नहीं। वैसे मुझे डॉक्टर साहब की तरफ से कुछ एक प्रोडक्ट्स मिली थी जिसमें मेरे पास ये वाला आया था। अब मैं हूँ नालायक, ज़रा मैं ज़िंदगी में पे पंक्चुअल नहीं हूँ, मुझे हर चीज़ का शॉर्टकट चाहिए। नहीं एक तो, मैं आपको अगर टाइम है मैं बात जी डॉक्टर साहब आप बात कर सकते। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए शौक पैदा करें, फिटनेस और खूबसूरती के लिए शौक पैदा करना पड़ता है। अगर आपको अपने से लगाव नहीं है, अपने से प्यार नहीं है, टूथब्रश भी तो डेली करना है ना, नमाज से पहले वजू भी तो अल्लाह मियां करवाना है, वो भी तो करके वजू करके खड़े होंगे ना आप, तो यार चेहरे को मैनेज करने के लिए, वजन को कम करने के लिए, मैं लोगों से कहता हूँ कि यार वेट के लिए आज क्यों प्रोग्राम बना रहे हो तुम, आपको तो ज़िंदगी में रेगुलर 5 दफ़ा जैसे नमाज पढ़वाई, ऐसे रेगुलरली आप फिटनेस के लिए टोन करना है, डाइट कंट्रोल करनी है, फिर खूबसूरती होगी। ये तो आपका कंट्रोल है ना, चलिए ये प्रोडक्ट अलग है वो, लेकिन आपको अपने आप को डेली देखना है, डेली मैनेज करना है, क्योंकि आपका जो मिरर है ना वो सबसे बड़ी हकीकत है, तो उसमें आपको देख के बताना है कि यार देखो मैं पीछे जा रहा हूँ आगे जा रहा हूँ। फिर आप जब घर से बाहर निकलते हैं, 4 लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप एकदम बूस्टअप हो जाते हैं, अरे आज एनर्जी लेवल ही डिफरेंट हो जाता है। अब हम यहाँ से तैयार, चाहे जिस पॉलर पे चले जाएं, जिधर चले जाएं, किसी ने चलते फिरते यार क्या बात है आज तुम कुछ बीमार से लग रहे हो, तो आप वहीं डिप्रेस हो जाएंगे। एक मैंने मिसाल दी थी, सॉरी टाइम ले रहा हूँ, कि एक खातून आती है मेरे इसमें रिव्यू में है कि वो आके अपने मियाँ को, बड़े पाकिस्तान की हमारी मशरक़ी औरतें आईं मियाँ के पास चाय बना के लेके आई, मियाँ ने देखा, स्पेशली पाकिस्तानी आम है तो बेचारी सब लगी हुई है, अरे तुम्हारा मुंह तो बिल्कुल फटे मुंह हो गया है, काले हो गए हैं, सारा कलर पिगमेंट आ गया है, तुमने क्या किया है? अब मियाँ ने तो बोलते के निकल गए वो, और तो सारे दिन वो डिप्रेशन में आ गए, क्योंकि वो साहब जो हैं वो जाएंगे ऑफिस में, उनके पास वेरी सॉरी मैं टीवी पे बैठा हूँ, हर चीज़ नज़र आ रही होती है, अब उनको बेगम तो उस फ्रेम में नहीं आ रही है ना, तो भाई फिट रखो, अपने मियाँ के लिए फिट रखो, तो ये ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी। बहुत बड़ी बात आपने कह दी और बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है, और ये जो आदमी होते हैं ना ऐसे ही हुआ करते होते हैं, इसलिए अपने आप को सेट रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए आप गूगल करें डॉक्टर जावेद आलम। कसम की बात है मेरा तो आई विश कि अगर सर्विसेज वही हैं, अगर आपको बेहतर सर्विस मिलती है तो व्हाई नॉट टू अवेल इट। और मैं एक बात ऑनेस्टली बताती हूँ कि दिस इज़ नॉट अ कमर्शियल, यस आई जस्ट वांट माय बिजनेस पीपल टू सपोर्ट अस बिकॉज वी आर नॉट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, और अगर डॉक्टर साहब की प्रोडक्ट्स आएंगी कैनेडा में तो मैं डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूँगी, बट एट द मोमेंट मैं आप इंसान माजिद भाई अक्सर मैंने देखा शीशे के आगे खड़े होके ऐसे सर पे बाल कोई नहीं और ऐसे ऐसे कर रहे होते, अक्सर शीशे के आगे खड़े होकर आपको अप्रिशिएट करता हूँ सर, खूबसूरत मैं आपको बताती हूँ, आप भी इनकी क्रीमें लगानी शुरू कर दें, कह रहे खूबसूरत है, नहीं नहीं आप इनकी क्रीमें लगानी शुरू कर दें, कसम खुदा की आप खूबसूरत हो जाएंगे। मैंने एक बात कहूँ बड़ी माजिद भाई के टाइम का, मुझे आप कहें दुनिया के जितने मशहूर हॉलीवुड के हीरो हैं सब बॉल्ड हैं, और दुनिया के अमीर तरीन लोग जो हैं वो भी बॉल्ड हैं, सही, लेकिन लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं उनकी बॉल्डनेस को, उनकी ब्यूटी के सामने शख्सियत जो है ना, मर्द की शख्सियत है, अब मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मीडिया पे होते हैं, लेकिन हॉलीवुड के लिए या बॉलीवुड के ज़्यादातर हीरोज बॉल्ड हैं, या किसी ने हेयरपीस लगाया या ट्रांसप्लांट कराया, एक्स वाई जेड सब कुछ किया हुआ है, और इवन मैं तो हॉलीवुड के हीरोज की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कंप्लीट उन्होंने शेव करके और हीरोज आ रहे हैं, तो मेल के अंदर नो हेयर स्टाइल मानी नहीं रखता, मगर आपको मैं बताती हूँ जितने मेल्स हैं दे डू बोटॉक्स एज वेल, दे डू फिलर्स एज वेल, दे डू एवरीथिंग दे डू एवरीथिंग। बल्कि डॉक्टर साहब मैं हॉलीवुड के लिहाज से तो मैं एक वो देख रही थी ये क्या है वो जो कोल्ड करके करते हैं, पूरी की पूरी बॉडी
में वो अंदर ले जाते हैं, दे स्टे देयर, इट्स सो कोल्ड टू रिवर्ट देयर यूथनेस. मेरा बेटा मुझे बता रहा था कि एक शख्स है, आप गूगल करके देखिएगा माजी भाई, आप बल्कि अगर गूगल करें, अमीर आप भी गूगल कर सकते हो और दिखा सकते हो. ये आदमी इज़ अ वेरी रिच मैन, ही इज़ 38 ईयर्स की एज है. वो $2 million साल के खर्च करता है फॉर हिज बॉडी, और उसकी जो सेलुलर एज है दैट इज़ 18 ईयर्स. जैसे एक आदमी जो पैदा होता है ना, तो उसकी ऑर्गेंस जो हैं 100% एफिशिएंट होते हैं. वक्त के साथ साथ हमारी एफिशिएंसी ऑर्गेंस की कम हो जाती है. तो उसने अपनी जो सेलुलर प्लाज्मा एज है, ही इज़ 38, उसको रिवर्ट करके पीछे लेके आया. उसने अपनी उम्र को भी, जो उसकी फिजिकल डेथ होगी उससे 3 साल का, मंडे को दिखाऊंगी वो आदमी आप. नहीं नहीं, ये आप बिल्कुल फैक्ट है. देखें, आई शो यू दैट पैन. एजिंग जो है ना, हमारी सेलुलर एजिंग होती है ना, तो उसमें नेचुरल चीज़ें बड़े अच्छे एंटी एजिंग हम मेडिसिन भी दे रहे हैं. ये लुक एट दिस, लुक एट दिस मैन, दिस इज द मैन. इसने $2 million, इज अ रिच मैन, और इसने अपनी जिंदगी जो सेलुलर एज है ना, जो सेलुलर एज है, ही डजंट यूज एनी आर्टिफिशियल स्टफ, नो आर्टिफिशियल स्टफ, और इसने अपनी एज को, अपनी सेलुलर एज को, प्लाज्मा एज को रिवर्ट किया. लेट मी, आई विल ब्रिंग इट होल थिंग ऑन. डॉक्टर जावेद आलम, वी आर लकी इनफ टू हैव हिम हियर. आप इनकी वेबसाइट पर जाके अपनी वर्चुअल मीटिंग इनके साथ तय कर सकते हैं. तो आप अपने जैसा खूबसूरत कर सकते हैं माजिद भाई को. माजिद भाई माशाल्लाह गए, सुन मैंने तो पिछले 2 साल 3 नहीं 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 आप देखिए भाई, लेकिन माजिद भाई एक बात बताओ, नहीं मेरा भी दिल रख रहे हैं. माजिद भाई एक बात बताओ, अब थ्रेड्स आ गए, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आ गई. ये हमारी जो जॉल्स चले जाते हैं, लाइंस, नेक लाइंस, सबसे पहले नेक जाती है. जैसे हम फेस हमारा इतनी जल्दी नहीं जाता, हमारा नेक सबसे पहले, यानी आप अपनी जॉ लाइन को सही कर, जॉ लाइन, दिस इज जॉ लाइन, बस नेक सेक करती है ना तो सबसे बुरा करता है. नेचुरली मैं भी 60 से ऊपर हूँ तो मुझे भी फील होता है कि लोअर पार्ट ऑफ माय नेक सबसे पहले सेक, क्योंकि यहाँ प्लैटिज्मा मसल होती है वो साथ छोड़ रही होती है. इसमें हम बड़े ज़बरदस्त थ्रेड्स डालते हैं और बहुत सस्ते डाल रहे हैं पाकिस्तान में. इसी तरह यहाँ कॉग और मोनो थ्रेड्स होते हैं जो इसको लिफ्ट कर देते हैं. बोटॉक्स एंड फिलर्स वो पुराने प्रोसीजर्स हैं, लेकिन आपको इंस्टेंट फ़र्क पड़ता है, आपको विद इन आवर के अंदर लगता है कि चेंजेस आ रही हैं. तो और फिर एंटी एजिंग चीज़ें आ गई हैं बड़ी अच्छी, आप पिल्स फॉर्म में भी ले सकते हैं. लेकिन मैं सबको ये कहता हूँ, मैं इस सब ये चीज़ें तो हमारी सब दुकानें चलती रहती हैं, बेचते रहते हैं, सब डॉक्टर सारी दुनिया में कर रहे हैं एस्थेटिक, लेकिन मैं कहता हूँ कि डाइट, माइंड, वेट एंड एक्सरसाइज. सर स्ट्रेस, माइंड मैंने कहा ना, स्ट्रेस जो है ना, अगर सर पे आप इतना बड़ा लोड लेके सारी जिंदगी ले तो बुढ़ापा. दो भाई हैं, ट्विन भाई हैं, दोनों की एक एज है, और एक भाई रिलैक्स रहता है, पॉजिटिव रहता है, एक भाई नेगेटिव रहता है, एक कम एनवायरनमेंट ज़बरदस्त है, तो दोनों भाइयों की एज में डिफरेंस आ जाएगा लुक वाइज. वही 50 साल का 25 साल का लग रहा होगा, वो 50 साल वाला 75 का लग रहा होगा. तो एज इज़ योर इन योर माइंड, और उसको रिलैक्स रखना, वेट का, डाइट का इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और सनलाइट, यहाँ पे आपकी सनलाइट बहुत डैमेजिंग है, जो एयर होल्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे एयर होल्स है. सर चाहिए था आपको जी, जी डॉक्टर साहब. तो सनलाइट में आपको ये जो एजिंग आती है, यहाँ की अल्ट्रावायलेट ए एंड बी रेज होती हैं, और ए रेज जो है ना वो पेनिट्रेटिंग है, जो आपके कोलेजन को ख़त्म करती है. यहाँ लोग प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, मैंने देखा इन्वाइजर्स लगाएं, सन ब्लॉक लगाएं, खवातीन कवर करें अपने फेस को, चाहे हिजाब से कवर कर लें लेकिन कवर करें. ये सनलाइट आपको एजिंग जल्दी दे देगी. आप कहेंगे यहाँ ये मैं 2 साल ड्राइव की. डॉक्टर साहब आपके लिए एक सवाल आया जी, है. प्लीज़ डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने कहा ना, ये है वाइटिलिजो, विटिलिगो. हम, मेरा ख्याल है बहुत से मौके पे कहा, ये जो इंजेक्शंस की बात है, बुनियादी तौर पे ये विटिलिगो के लिए इंजेक्शन है. ये लगे थे एंटी कैंसरस, कैंसर वालों के. लेकिन विटिलिगो में क्या होता है कि जिनके पैचेस बन गए नेचुरली लुक नॉट नाइस के, वो हम उनको पूरा वाइट कर देते हैं. तो मैं और ये जो हाइड्रो, ये जो हमने ग्लूटाथियॉन्स हैं, ये हम जो नॉर्मल वल्गैरिस जिनको हो गया, जिनकी पूरी बॉडी में वाइट वाइट पैचेस आ गए हैं, तो हम उनको एक मशवरा देते हैं कि यार तुम इस चक्कर में नहीं लगो कि अपनी नॉर्मल स्किन को लेके आओ, तुम इसको पूरा वाइट करा लो. दुनिया वाइट करा रही, इसको वाइट करा लो. Exactly. जो वो आपके पैचेस बने हैं जो आपको बॉदर कर रहे हैं, इस सोसाइटी में हमारे हर आदमी टोकता है, वो ख़त्म हो जाएगा और उससे बहुत अच्छा लुक हो जाता है. तो वो ग्लूटाथियॉन हम इसलिए भी लगा रहे हैं. अगर पैचेस सॉफ्ट पार्ट पे हैं,
ऐसी जगह पे जैसे फेस, ये देखिए हम टेलीविजन पे जो लोग देख रहे हैं, हम अब ये देखें, ये विटिलिगो है, ठीक है, वाइट पैचेस आ गए हैं, तो यहाँ पर ग्लूटाथियोन का अगर इस बच्चे को इलेक्शन इंजेक्शन लगता है तो ब्राउन स्किन यानी उसकी पिगमेंटेशन को खत्म करके सारा एक कलर, लेकिन आई थिंक ही इज टू यंग, क्योंकि इसकी एज हमें देखनी पड़ेगी। अगर ये 17-18 साल से ऊपर का बच्चा है तो हम उसको कंफर्टेबली लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये छोटा है, लेकिन जो ये पार्ट नज़र आ रहा है और इसके फेस के ऊपर भी मुझे अभी मैंने देखा था, तो उन सॉफ्ट पार्ट को हम बेहतर कर सकते हैं नॉर्मल स्किन में। अच्छा। लेकिन अगर ये 17-18-20 साल का, क्योंकि ग्लूटाथियोन रिकमेंड फॉर आफ्टर द 17-18 या उसकी हार्मोनल एज स्टार्ट होने के बाद, तो आप है ना ऐसे नहीं लगा सकते, आप इंटरवेनस लगा लिया इंजेक्शन और उसको हमने कर दिया और ना लगवाएं कोई। मैंने बताया कि पाकिस्तान में स्पेशली हमारा चेक इन बैलेंस इतना नहीं है, तो मैं क्योंकि सारी दुनिया देख रही होती है तो मैं राय ये दूंगा कि अगर सॉफ्ट पार्ट है पहले तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लें, और अगर सॉफ्ट पार्ट है तो वो सॉफ्ट पार्ट्स का मतलब होता है कि हमें फेस का पार्ट है या ऐसी जगह है जहाँ हड्डी नहीं हो, बोन नहीं हो, सख्त जगह नहीं हो, या अगर नेल के साथ आ जाता है या पैर के उससे टो नेल के साथ आ जाता है, पिट्स डिफिकल्ट, लेकिन अगर सॉफ्ट जगह है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और अगर पूरी बॉडी में हो गया और एज उसकी 20-22 से ऊपर है तो फिर आप ग्लूटाथियोन ग्लूटाथियोन में भी अब वही हम बात कर रहे थे कि माइकल जैक्सन जो थे कहते हैं उनके भी स्पॉट सी कोई आए थे जिसके बाद उसने ये ग्लूटाथियोन के ट्रीटमेंट के बाद माइकल जैक्सन ने अपना कॉम्प्लेक्शन चेंज किया था ना, उसमें उन्होंने क्या किया था कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसको डैमेज करा लिया था, क्यों, उसकी पूरी बॉडी वाइट हो गई थी। तो नेचुरली अब तो बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत अच्छे इंजेक्शन्स आ गए हैं जो कि हम लोगों को ट्रीट करते हैं, मेडिसन ओरल मेडिसन्स भी आ गई हैं जो कि ग्लूटाथियोन की, रिड्यूस ग्लूटाथियोन की, जो कि हम ओरली ले सकते हैं। ले माय डॉक्टर साहब, सॉरी टू बॉदर यू, ये साहब आई विश के आमिर आपने नहीं, ये देखिए साहब, डॉक्टर साहब इसको देखें, इस आदमी का नाम है ब्रायन जॉनसन, ओके, टेक एंटरप्रेन्योर है, ये उसका बेटा साथ में खड़ा है। दिस मैन द यंगर वन इज हिज सन एंड दिस इज ब्रायन जॉनसन, ही इज अ रिच मैन, वेरी रिच मैन, मिलियनर। इंजेक्ट इसने अपने बेटे के खून को इंजेक्ट करके अपने आप को यूथ में ले आया। आई विल शो यू ना आमिर, आई विश कि आप इसकी अगर आर्टिकल को क्लिक करें तो यू कैन शो हिज पिक्चर। इसने अपनी उम्र को रिवर्ट किया है और इसने प्रोसेस अटेन द बॉडी ऑफ एन 18 years old। बताइए, उसने बॉडी 18 साल की बॉडी अटेन कर ली है। अब इसका पूरा का पूरा आर्टिकल है मेरे पास, मेरा बेटा मुझे इसके बारे में समझा रहा था, बिकॉज ही थिंक्स के आई कैन फ्रीज माय मम्मा एंड आई कैन टेक हर विद मी, आई विश कि आई कैन शो यू। लेकिन मैं आमिर, अगर इस आप आर्टिकल को अगर करें ना तो यू कैन शो हिज 18 साल की उम्र। लेकिन मैं आपको एक बात, एक्सटर्नली तो इज वेरी गुड, लेकिन भाई अंदर से भी दिल जवान रखना है, अंदर से दिल जवान रखना, मगर डॉक्टर साहब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसने कोई आर्टिफिशियल मतलब कोई दवाइयां वगैरह, स्किन को वो सारी चीजें तो है, लेकिन हमें अपने वाइटल्स को बेहतर करने के लिए। लुक एट दिस मैन, ही हैज 18 इयर्स की इसने बॉडी अटेन की है, जस्ट केयर, जस्ट केयर। और यही डॉक्टर साहब भी इसी प्रोसीजर के बारे में बता रहे हैं, और पाकिस्तान बहुत तरक्की कर गया, ग्लूटाथियोन पाकिस्तान के जितने एक्टर आप कितने गोरे 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 नज़र आ रहे हैं, कोई नहीं गोरे इतने, ये ग्लूटाथियोन और डॉक्टर जावेद आलम को क्रेडिट जाता है। डॉक्टर साहब आपके आप बहुत जाया करते होते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, क्या नाम था उनका, आमिर लियाकत के प्रोग्राम में आप हमेशा मौजूद होते थे। बिल्कुल, इट्स सैड डॉक्टर जी, बहुत बड़ा अलमिया, बहुत बड़ा नुकसान, मेरा उनसे बिल्कुल भाइयों वाला ताल्लुक था, और 7 years से मैं उनके रमज़ान प्रोग्राम, वैसे मॉर्निंग प्रोग्राम में वो मेरे बगैर प्रोग्राम नहीं करते थे, कोई प्रोग्राम होता था मैं बाहर होता था, वो फ़ोन करते जावेद भाई किधर है, मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, किधर है, और वो मुझे इतनी इज्जत देते थे, हकीकतन बहुत बड़ा लॉस है। और हमारी इस दुनिया में, जब दुनिया में इंसान होता है तो उसकी वो कदर नहीं की जाती, ऑनेस्टली जब वो चला जाता है ना तो हम उसकी कदर करते हैं। वेरी सैड, कहते हैं बहुत बड़ा लॉस है, और मैं सबसे कहूँगा उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करें। बहुत अच्छे इंसान, नॉलेजेबल, बहुत नॉलेज, इस्लामिक नॉलेज एक दुनिया के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है, बस सडनली क्या हुआ
बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, लेकिन बहुत कुछ हो गया बहुत कुछ हो गया। डॉक्टर जावेद आलम के क्लिनिक्स पाकिस्तान के चप्पा कराची में कितने क्लिनिक्स हैं? मेरी माशाल्लाह 20 क्लिनिक्स हैं, 20 क्लिनिक्स इन कराची, इसके बाद इस्लामाबाद में, लाहौर में, अराउंड द वर्ल्ड। आप भी डॉक्टर साहब जब से कैनेडा में हैं आपने वर्चुअल डेली, आज भी अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं तो इनकी आज भी मीटिंग्स थी अपने पेशेंट्स के साथ। पाकिस्तान के नंबर वन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, नंबर ऑफ क्लिनिक्स हैं इस्लामाबाद, स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर जावेद आलम फरूकी साहब। आज देखिए आगे नीचे आए तरह, ये देखिए बरोज़ जुमा 7 जुलाई लिखा हुआ है आपको कि वर्चुअल मीटिंग होंगी इनसे, तो एवरी डे ही इज़ इन द क्लिनिक यहाँ से, और आप इनकी वेबसाइट पे हैं, आप यहाँ से वर्चुअल मीटिंग, अच्छा आप फ़र्ज़ करें यहाँ से कोई वर्चुअल मीटिंग तय कर लेता है आपसे, तो उसको दवाई या उसको क्रीम चाहिए होगी, तो हाउ वुड इट वर्क? देखिए इस पर हम पूरा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की रिस्ट्रिक्शंस कुछ चीज़ें हैं और देखिए नेचुरली अपने अपने लॉज हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स लेके आएँ जिसके अंदर मेडिसिन ना हो, जो कि FDA अप्रूव्ड इन अमेरिका होता है, इस तरह की चीज़ें नॉर्मल काउंटर मेडिसिन प्रोडक्ट्स हों, उनको हम मेडिसिन नहीं कहेंगे, प्रोडक्ट जैसे मैंने आपके सामने रखी हुई ये नॉर्मली हमारे पास उसके पूरे हमारे पास सर्टिफिकेशन होती है, लेकिन इंशाल्लाह ये देखिए साहब मुंह धोने के लिए है, पिंक सॉल्ट सोप है, आप इससे इसको यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रा चेहरे के बीच में हाइड्रेशन बढ़ाने के लिए है, ये एक सोप है जो कि कोल चारकोल से बना हुआ है, और ये ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है। फिर हमने इसके अंदर मास्क की बात आप बताएं, डे नाइट हमने क्रीम है हमारे पास, डे नाइट क्रीम जो कि हम वही पिगमेंटेशन हमारे यहाँ सबसे बड़ा, मैंने बताया कि एक कलर का बहुत बड़ा इशू है, एजिंग का बहुत है, तो हमने कुछ चीज़ें अपनी पूरी एशियन स्किन पे पूरा रिसर्च करके क्या क्या चीज़ें फ़ायदा देती हैं, क्या क्या चीज़ें नुकसान देती हैं, वो प्रोडक्ट मेरे नाम से माशाल्लाह पाकिस्तान में बिक रही हैं, होंगे 2-4 डॉक्टर्स के नाम के, लेकिन यहाँ पे आपको काउंटर पे जाएं और आप उठाएं आपको वो डॉक्टर ना मिले, वो फिर प्रॉब्लम होती है। इसमें आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर आप मेरी प्रोडक्ट लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मैन्युफैक्चरिंग हम किसी से करवा नहीं रहे हैं, ऑनेस्टली ये मेरा बेटा कर रहा है, पूरा यूनिट ये हमारा अपना लगा हुआ है, एक एक चीज़ की चेक एंड बैलेंस हम करते हैं, खुदा ना करे। जी डॉक्टर साहब ये जो अब आप कह स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर, स्किन रिफॉर्मिंग मॉइस्चराइजिंग लोशन, ये क्या है? देखें इसके अंदर यही मैंने आपसे बताया कि अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा आता है और इस क्लाइमेट का आता है, मैं कनाडा आता हूँ, वो कहता है मेरा स्किन ड्राई भी हो रही है, मुझे एक्ने भी हो रही है। अब ड्राई स्किन में एक्ने आना बहुत सेंसिटिव मसला है, क्योंकि अगर वो जाएगा हर आदमी उसको मॉइस्चराइजर पकड़ा देगा, अब जब मॉइस्चराइजर लगाएगा एक्ने प्रोड्यूस ही जब होगी जब ऑयल आ रहा होगा, क्योंकि ब्लॉक हो रहा होता है। हमने अकॉर्डिंगली उसकी एज के हिसाब से मॉइस्चराइजर बनाया वाटर बेस्ड, कि मॉइस्चराइजर लगाए और अप्लाई क्या करना है, इधर अराउंड द आई, अराउंड द लिप, इधर नॉट ओवर द चीक फोरहेड एंड चिन, इधर नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड है, इधर कम है ग्लैंड, लिप पे ग्लैंड कम है, इधर कम है, तो वहाँ लगाएं। सिर्फ 2 मिनट की एडवाइस, 1 मिनट की एडवाइस के देखो ये मॉइस्चराइज़र है, एक तो प्रॉब्लम नहीं करे, अगर प्रॉब्लम है तो आपको उन जगहों पे लगाओ जहाँ ड्राइनेस आपको बॉदर कर रही है। आप 35-40 ईयर से ऊपर जाते हैं नेचुरली आपके लिए ज़रूरत है स्किन की मॉइस्चराइज, ऑयल्स की ज़रूरत है, तो उसमें ऑयल बेस आपको बताना होता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं आपको यूज़, हमने डे नाइट क्रीम बनाई, डे क्रीम में हमने सनब्लॉक SPF डाला, कौन सा SPF डालना है अकॉर्डिंगली डालना है। अब सनलाइट इज इंटायरली डिफरेंट इन कैनेडा कंपैरिजन टू पाकिस्तान, मगर आपकी दवाइयां तो पाकिस्तान के लिहाज से हम आपको बना के, इसलिए मैं जब भी तो यहाँ के पेशेंट मैं बना रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अकॉर्डिंग टू द नीड होगी। नीड जैसे आप पंजाब में, अगर कराची में ह्यूमिडिटी है, आप भावलपुर मुल्तान जाते हैं ह्यूमिडिटी आधी होती चली जाती, लाहौर पिंडी इस्लामाबाद आते हैं ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है, ड्राइनेस शुरू हो जाती है, गिलगित इस्कर्दूर अटक नौशेरा पेशावर एबटाबाद मुजफ्फराबाद ड्राई स्किन है, बच्चे वही हैं जवान बच्चे वही हैं, तो उनको हमें ऐसा उस देना वेदर के लिए एग्जैक्टली। अच्छा कोई प्रॉब्लम है, बच्चा ने लिया हमारी मेडिसिन ने उनको प्रॉब्लम दिया, वो फ़ोन करते हैं, नंबर लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर हर प्रोडक्ट पर मेरा लिखा हुआ है, हमारी पूरी टीम है। अब ऑनलाइन क्लिनिक में ऑल ओवर द वर्ल्ड शुरू कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपका ये टाइम है और इस टाइम पे आप मुझसे कनेक्ट करें और मुझसे बात करें, मैं इसको सेट करूँगा। तो कनाडा वालों से $300 लेंगे, वहाँ 300 रुपए लेते हैं? नहीं,
ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कहा पहले हम बड़े मुश्किल की जिंदगी गुजारते हैं यहाँ पे, हमारा खास ख्याल कैनेडियंस का रखे हैं आप। बहन बात यह है कि मुझे इतना मजा आता है काम करने के लिए। देखिए रिस्क अल्लाह मियाँ जब दे रहा है, आज आपने इतनी इज्जत दी हुई है, ये अल्लाह का करना है ना जी। यहाँ अब तक पहुँचना कोई आसान थोड़ी था, अल्लाह ने एक सिलसिला बनाया तो ये सब कनेक्शन। अच्छा जी, वो कहते हैं कि जिन लोगों के मर्दों और औरतों में हेयर बहुत ज़्यादा, सीने पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं या बाजुओं पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, उसका क्या? जी हाँ, ये हिर्सिटिज्म के लाते हैं। You have only two minutes, वरना शाजिया मुझे फायर करते हैं। हिर्सिटिज्म जो है ऑल ओवर द बॉडी हार्मोनल हो रहा है। सबसे पहले आप जहन में रखें अपने वजन को कंट्रोल करें। हमारे यहाँ यंग बच्चियों बच्चों के वजन बहुत बढ़ रहे हैं, स्पेशली बच्चियों के हार्मोनल बच्चियों का जैसे ही डिस्टर्बेंस हो मदर को ये चाहिए उसका अल्ट्रासाउंड कराएं, चेक करें पीसीओ तो नहीं हो रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवरी तो नहीं हो रही है, चेक करें, उसकी वजह से एंड्रोजन हार्मोन बढ़ेगा और बिल्कुल मेल पैटर्न बाल आने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए लेज़र है, डायोड लेज़र होती है, हार्मोनल क्रीम्स भी आती हैं, ट्रीटमेंट्स भी आते हैं। इसके लिए हमें गायनेकोलॉजिस्ट की और डर्मेटोलॉजिस्ट की दोनों की ज़रूरत होती है। अगर बच्ची के हार्मोन साइकिल में डिस्टर्बेंस देखें सबसे पहले कंसर्न करें, अल्ट्रासाउंड कराएं, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम, और वेट को कंट्रोल करें। मैं यहाँ वेट बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, काम ज़रूर कर रही हैं, एक्टिव बच्चियाँ बहुत हैं, लेकिन लोअर पोर्शन बच्ची का जैसे ही बढ़ेगा बटल्स बढ़ेंगे, बैक बढ़ेगी, हार्मोनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा, हेयर फॉल शुरू हो जाएगी, चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाएंगे, दाढ़ी मूछ निकलनी शुरू हो जाएगी, वेरी सॉरी मैं गंदा सा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, चेस्ट पे बाल आ जाएंगे, वही पैटर्न मेल पैटर्न आ जाएगा क्योंकि एंड्रोजन बढ़ गया है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो गया है। तो आपको सबसे पहले बच्चियों को ये जो आप जंक्स है ना रात को फ़ोन किया और बड़े बड़े बर्गर खा रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, इसको बंद करवा दें। एक्टिव बच्चों को एक्टिव करें, मोबाइल पे लग गए हैं वो लोग, तो एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको वेट को कम करें, फिर डॉक्टर्स को दिखाना ज़रूरी है, और डायोड हेयर रिमूवल लेजर्स होती हैं सब जगह, यहाँ भी हो रहे हैं, हम पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद आलम, आप इनकी साइट के ऊपर जाइए और जाके देखिएगा। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, और मैं डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात इंशाल्लाह दोबारा भी कराऊंगी। आप वर्चुअल मीटिंग अपनी कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे पहुँच जाएंगी। डॉक्टर साहब से रब्ता ज़रूर कीजिएगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। वो ब्रायन है ना, ज़रा ब्रायन को गूगल करके देखें, द मैन 46 ईयर एज है, 18 साल की उसकी आउटर बॉडी जो है ना, दैट इज जस्ट अमेजिंग, बट व्हाट इज इनसाइड, यू नो। तो लेट मी टेल यू, दिस इज हिज लाइफ व्हिच इज टेकिंग हिम, के ही जस्ट वांट टू लिव, ही वांट टू लिव एज यंग एज हिज सन, ठीक है। और मतलब आप जैसा अगर मिल जाएगा बंदा जिसके साथ मैं होस्ट करती हूँ, तो मैं तो वैसे ही मॉरली फेल होके मरने को ही मेरा दिल करेगा। इसका इलाज है डॉक्टर साहब। वैसे मैं तो आफरीन कहती हूँ, मैं तो फिर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आपके साथ गुजारती हूँ, आपकी फैमिली की बड़ी हिम्मत है आपके साथ। इसका कोई इलाज है? कोई इलाज नहीं, डॉक्टर जावेद आलम से बात। डॉक्टर बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मैं आगे भी बात करती हूँ।